हेलो नमस्कार दोस्तों। तो देखिए आज एक एलईडी टीवी है, तो चलिए इसमें देखते हैं क्या फॉल्ट है। तो हम मेन लाइन दे दिए हैं, अब हम इसे स्टैंड बाई करते हैं। तो देखिए स्टैंड बाई ले लिया है, तो डिस्प्ले पर लाइट आ रहा है। तो हम इसमें देखते हैं ऑडियो वीडियो का कोड करते हैं। तो देखिए वीडियो भी आ रहा है लेकिन कोड में दिक्कत आ रही है। तो पहले हम बढ़िया से कोड को लगा लेते हैं। तो ठीक है, इसका वीडियो आ रहा है और इसमें ऑडियो नहीं आ रही है सही से। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम 3RC को बढ़िया से लगाएंगे। तो हम 3RC ठीक से लगा लिए, वीडियो भी सही से आ रही है लेकिन वॉइस इसमें नहीं आ रहा है। तो इसे हम पहले ओपन करते हैं, देखते हैं ओपन करके कि दिक्कत कहाँ से है, इसका बोर्ड से दिक्कत है या स्पीकर ओपन है। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि इसका स्पीकर भी ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसका स्पीकर ही चेक कर लेते हैं। तो हम दोनों स्पीकर का जो जैक है उस जैक को हम ओपन कर लेते हैं PCB बोर्ड से, ताकि कंटिन्यूटी चेक करने में दिक्कत ना हो। तो जैक को हम ओपन कर लिए हैं, अब ये दो स्पीकर लगा हुआ है लेफ्ट राइट। तो सबसे पहले हम इसके जैक पर ही वोल्टेज चेक करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि स्पीकर ओपन बता रहा है या शॉर्टिंग बता रहा है। तो देखिए हम चेक कर रहे हैं मल्टीमीटर में, शो करेगा काटा। तो देखिए कंटिन्यूटी चेक बता रहा है। अब हम स्पीकर को देख लेते हैं, देखिए मीटर शो कर रहा है स्पीकर का लेकिन फिर भी आवाज़ नहीं दे रहा है। तो ये जो स्पीकर है जो तो बता रहा है, तो शॉर्ट होने पर भी बताता है स्पीकर कंटिन्यूटी। अब इसको हम देखते हैं, देखिए ये ओपन बता रहा है, वो बता रहा था तो इसका मतलब है कि वो शॉर्ट भी हो सकता है, ये ओपन हो सकता है। तो देखिए नए स्पीकर हम पहले से ले रखे हैं, देखिए इसका कंटिन्यूटी सही बता रहा है। तो फिर भी हम कंफर्म होने के लिए सबसे पहले हम PCB बोर्ड पर चलेंगे, तो उसका जो आउटपुट IC का जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो कितना बता रहा है। तो देखिए हम सबसे पहले जो नेगेटिव पॉइंट होता है वो हम बॉडी पर रखे हैं जहाँ से ऑडियो निकलता है, और DC वोल्टेज को हम चेक कर रहे हैं। तो मल्टीमीटर में जो ऑडियो का लेफ्ट राइट वोल्टेज है वो सही बता रहा है, तो इसका मतलब है कि PCB से कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑडियो स्पीकर से ही दिक्कत है। तो हम स्पीकर ही चेंज कर लेते हैं। तो इस स्पीकर को पहले हम ओपन करेंगे, तो उसके बाद नया स्पीकर को हम लगाएंगे और फिर देखते हैं कि स्पीकर लगाने के बाद क्या होता है, आवाज़ आती है या नहीं आती है। ऐसे तो PCB का प्रॉब्लम नहीं है, ऑडियो एम्पलीफायर जो IC लगा हुआ है उसका वोल्टेज लेफ्ट राइट दोनों का सही था। तो हो सकता है कि ये जो स्पीकर जो कंटिन्यूटी बताया है ये शॉर्ट हो सकता है, और एक तो कटा हुआ दिख रहा है, वो तो साफ कटा हुआ। तो हम पहले स्पीकर को इसमें लगा लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम स्पीकर को लगा लेते हैं, फिर आगे हम आपको दिखाएंगे। यदि आगे स्पीकर लगाने के बाद परेशानी रहेगा तो हम PCB का भी वर्क कर दिखाएंगे। यदि इतना पर ही काम हो जाएगा तो फिर हम अगले वीडियो में थोड़ा विस्तार से दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम स्पीकर को
निकाल लेते हैं जो पहले से लगा हुआ है उसे ओपन कर लेते हैं सही से। और इसे हम इसमें बस देते हैं सही से, क्योंकि दोनों का साइज में अंतर है। पहले जो स्पीकर लगा हुआ था साउंड वो थोड़ा इससे बड़ा था और उससे छोटा, तो लगाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, साइज सही से नहीं मिल रहा है। हम स्पीकर को लगा लिए हैं इसमें, सेटिंग कर लेते हैं टीवी पर, उसके बाद आपको लाइन देकर आवाज़ सुनाते हैं। भाई इसमें आया कि नहीं, बस बंद कर दो, ये नहीं आए ना, चालू हुआ टाइम लगेगा, सेटिंग कर लिए हैं, ऑडियो वीडियो का काम कर रहे हैं, लाइन देते हैं अब आपको स्टैंड बाई कर रहे हैं लाइन और साउंड को घटाएं डार्क स्पॉट्स और दे ब्राइट ग्लो सिर्फ 7 दिनों में। पॉन्स ब्राइट ब्यूटी का विटामिन B3 फॉर्मूला घटाएं डार्क स्पॉट्स और दे ब्राइट। ठीक है दोस्तों, तो मेरा फोल्ड तैयार हो गया है। तो दोस्तों मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को बजा दें ताकि आगे लेटेस्ट जो भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे फर्स्ट में पहुँचे। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।